और हमें यह महसूस हुआ कि सारे बंस रोड में मिठाई बट रही है, आम आदमी इस खुशी में बहुत खुश है कि मार्शल ला ख़त्म कर दिया लड़कों ने। लेकिन उसी रात को यहाँ पर जनाब फतेहाब अली ख़ान को, मुझको, अली मुख्तार रिजवी को, जौहर हुसैन को, शेरफ़ुल मलिक को, अमीर हैदर काजमी को और अनवर अहसन सिद्दीकी को और डॉक्टर महबूब को और कई और दीगर आगा जाफ़र वगैरह को, हम सबको गिरफ़्तार कर लिया गया मार्शल ला के तहत और जेलों में ले जाकर वो मार हमें पूरी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया कि मैं आपको बयान नहीं करता हूँ। सबसे ज़्यादा इस टॉर्चर का निशाना बना नंबर एक इकबाल मेमन, बहिमाना तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया क्योंकि मेहमान उसके नाम के आगे रखता था रसम बताओ, तो उन्होंने कहा ये कमज़ोर है, यह हमें बताएगा। तो उससे कहते थे लिख के दो कि रूस से 5 लाख रुपए आया है, लिख के दो कि हिंदुस्तान से 2 लाख रुपए आया है। हमें भी मारते थे और हमसे पूछते थे, ना पैसा आया था ना कुछ आया था, हम लोग तो रसम के बलबूते पर निकल कर आए थे और हमें ये पता था कि पाकिस्तान के अवाम में इससे खुशी की लहर दौड़ी है मार्शल्ला के ख़िलाफ़। वो खुश नहीं थे पाकिस्तान के अवाम जो थे, एक महीने तो जेलों में फिराते रहे वो हमें, यानी जेल इसमें थानों के अंदर, इस थाने से उस थाने में, ये सब थाने हमने उस ज़माने में देखे। मैं बात कर रहा हूँ 1961 की, हर थाने में उन्होंने हमें लेकर गए और खूब पीटा, रोज़ मारते थे फतेहाब अली ख़ान को और मुझे कहते कि लिख के दो कि तुम्हें इतने लाख रुपये आया, हमें कोई आया होता तो हम ज़रूर लिख के देते, हमें तो कुछ आया ही नहीं था। एक तो हम चंदे से हम सारे काम करते थे। 27 फरवरी को मार्शल्ला की जो कोर्ट थी उसने हमें 1 साल कैद बामशक्क़त, मुझे, फतेहाब अली ख़ान को और जौहर हुसैन को और शेरफ़ुल मलिक को और अमीर हैदर काजमी को 9 माह की सज़ा और अनवर अहसन सिद्दीकी को और इकबाल मेमन को और अली मुख्तार को 6-6 माह की सज़ा उन्होंने दी और उन्होंने फिर हमें भावलपुर जेल मुंतकिल किया, हम 4 को, और 4 को कराची जेल से निकाल के उनको मुल्तान, हमें भावलपुर जेल भेज दिया सज़ा देने के बाद, ताकि हमारा कांटेक्ट बाहर की दुनिया से ख़त्म हो जाए और हमें जाके जेल के अंदर बंद कर दिया गया फांसी घाट के अंदर। हम लोगों को ले जाकर, हम 4 एक जगह थे तो हमको फांसी घाट ने बंद कर दिया। मैं, फतेहाब अली ख़ान और शेरफ़ुल मलिक और जौहर हुसैन और वो जो लाल टोपी होते हैं वो बेचारे कहते थे है आपको सजाए मौत हो गई है, किस चीज़ में सजाए मौत हुई है, हमने सुना आपको फांसी देने वाले, वो हमें डराते थे। लेकिन हम तो मेंटली प्रिपेयर थे, हमें पता था ये हमें डरा रहे, तो हम लोग फिर आपस में किसी न किसी तरीके से डायलॉग और गुफ्तगू करते थे कि डरना नहीं, घबराना नहीं, समझे ना, ये हमें डराने की कोशिश हो रही है। यही वो मुल्तान में करते थे सारे जगह। फिर इसी जेल के दौरान हमारे इंट्रोगेशन लिए गए भारी तादाद के अंदर, यानी 3-3 दिन का इंट्रोगेशन होता था। सबसे पहले उन्होंने फतेहाब अली ख़ान का इंट्रोगेशन लिया और उन्हें किसी और जगह मुंतकिल कर दिया। 3 दिन वो 4 दिन इंट्रोगेशन करते थे, यानी शेरफ़ुल मलिक का किया, फिर उसे किसी और जेल भेज दिया, फिर फतेहाब का किया, फिर उसे किसी, फिर मेरा किया, फिर मुझे किसी और, फिर जौहर हुसैन का। सुपरन जेल बहुत अच्छा आदमी था, वो अयूब खान का बड़ा ख़िलाफ़ था, वो कहते थे तो फौजी नहीं है कहीं से भी, ये तो चालाक मक्कार आदमी है, बड़ा मुखालिफ़ था अयूब खान का। और वो कहता था तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी की है, मेरे ऊपर जासूस लगे हुए हैं जेल के अंदर, वो हर दिन की रिपोर्ट यहाँ से जाती है, तो मैं तुम्हें इस तरह इनडायरेक्टली मदद करूँगा कि तुम्हारी कर सकता हूँ। तो इंट्रोगेशन के दौरान उस शख्स ने हमारी बड़ी मदद की थी, उसने कहा था अपने नोट्स बना के लिख दिया करो और जो आदमी नंबर 1 जिसका इंट्रोगेशन हो वही फॉलो सब के सब करे, कोई और चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने उसके मुताबिक इंट्रोगेशन किया और इसमें जो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वाक़या, मेरे लिए बड़ा अजीब गरीब वाक़या था कि मुझे है भावलपुर से रहीम यार खां जेल, वो छोटी जेल थी, मुंतकल किया गया सर। मेरे छोटी जेल में कपड़े नहीं होते थे, मुझे उन्होंने गंदे कपड़े ला के दिए, बिल्कुल फटे तार तार, कि अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो बिरहना आदमी में फटे हुए कपड़े में कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं पहनता, तो उन्होंने कहा नहीं पहनोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने जो कर दो कर डालो, मैंने तो नहीं पहनना है। और मैंने यही अपने कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं यही पहने रहूँगा, आपसे मुझे कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन अगर जबर करेंगे तो फिर मैं होऊँगा या आप होंगे, इस पे से कोई एक, या मैं नहीं होऊँगा।
लेकिन मैं अपने लोगों को बता चुका हूँ, स्टूडेंट को, फिर इसका हशर याद रखिएगा कि अगर आप मेरे साथ ये करेंगे तो। फिर उन्होंने उनको सजाएं दी, कुछ उनके लाल टोपियों को, कि तुम लोगों ने कोई पर्चा बाहर भेजा है क्या है। जब मुझे वापस ले जाया जा रहा था, आखिर में सबको दोबारा जमा किया जा रहा था, तो मैं रहीम यार खान जेल में था, भावलपुर जेल में दोबारा ले जाया गया। तो जब वापसी में मुझे हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा था, तो पुलिस वालों को एक वो मिलता, पैसा मिलता है कि भाई टांगे में ले जाना, समझे ना, ये बड़े ख़तरनाक कैदी है, इसको लोगों में मिक्स नहीं करना, टांगे में ले जाना, फलां ले जाना। उन्होंने वो पैसे खा लिए और मुझे पैदल हथकड़ी ले जाके छुड़ी। तो आगे स्कूल के बच्चों की, छोटे स्कूल के बच्चे होते, छुट्टी हुई थी, तो उन्होंने जो मुझे देखा, तो भाई वहाँ फिर जो चोर 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 के इतने नारे लगे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, एक दुकानदार जो था वो भागा दुकान से, मुझे नज़र आया कि वो भाग रहा है दुकान से, उतरा और फिर आगे जाके उसने देखा मुझे, फिर उसने आके पुलिस वालों से कुछ कहा, समझे ना, और उसने कहा बच्चों को, उसने बहुत डांटा, भागो फलाएँ, ये तो बहुत शरीफ आदमी है, तो स्टूडेंट का लीडर है, तुम लोगों का लीडर है, फला है ये है। तो बच्चों को उसने जान बचा दी मेरी, बच्चों से, समझे ना, वो चोर 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 छोटी मोटी कंकरियाँ भी मारते, इमार खान से बहावलपुर वापस ले जा रहे थे। तो मुझे फैज साहब की उधर से याद नज़र आती थी कि आज बाजार में पावा जौला चलो, रक्स मस्ता चलो, गुल बदामा चलो, और तकता है सब शहर जाना चलो। तो वो नज़म पढ़ मेरी जहन के अंदर फैज साहब घूम गया। फिर मैंने पूरी नज़म उनकी बहुत अच्छी तरह याद की थी, इसी वाक़े से मुतासर होके, कि फैज साहब को भी ऐसी हथकड़ी लगा कर सियालकोट में शायद ले गए थे बाज़ार में घुमाते हुए, बेइज्जती करने के लिए उनकी, और हम कामयाब हो गए थे। वो जो खौफ था कि अयूब के ख़िलाफ़ कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकता, कोई लेफ्ट की मार्क्सिज्म की कोई किताब नहीं पढ़ सकता, सज़ा हो जाएगी, घबरा और छापे पड़ रहे हैं, मारे पड़ रही हैं, तो वो हमने तितर बितर करके बराबर कर दिया था। और यही कम अज़ कम मेरा ज़ाती मतलब भी था, और यही NSF के साथियों का सब मतलब था कि इसको बिल्कुल पैरालाइज कर दिया जाए, मार्शल लॉ को, चाहे हमें जो भी सज़ा देना चाहें। तो फिर हमें सज़ाएँ हुई और हमने उनको खंदा पेशानी से, उनसे हमें पता था, उसको कबूल किया बैठ के, और हमको 9 महीने जेल में रहे। बड़ा हंगामा हुआ कराची में, ये नहीं कि हमारे जाने से लोग डर गए, बड़ा लोगों ने जुलूस निकाले, बड़े पाकिस्तान में हंगामे हुए, लेकिन हुआ ये कि हम फिर 9 महीने के बाद उन्होंने हमें रिहा कर दिया लाकर, या गाड़ियों के अंदर लेकर वापस आए, ट्रेनों में नहीं भेजा हमें कि कोई बड़ा जुलूस ना निकले, लिहाजा हमें गाड़ियों से ला के यहाँ पर रिलीज़ कर दिया उन्होंने, कराची जेल में शाम के वक्त ला के हमें रिलीज़ किया गया। लेकिन 10-15 दिन के बाद हमको दोबारा एक्सटेंड किया गया, ये पहला एक्सटेंडमेंट था 62 में, जिसमें फ़तेह अली ख़ान, मेराज मत खान, इकबाल मेमन, जौहर हुसैन, और खुदा आपका भला करे, अमीर अज़हर काज़मी, और अली मुख्तार रिज़वी, और अनवर अहसन, इन लोगों को एक्सटेंड किया गया था। पहली दफ़ा जेल में 59 ही में गया, आइजनहावर पाकिस्तान में आ रहे थे, तो मेरी कोशिश ये थी कि एक बेशुमार तालिब इल्मों को निकाला जाए सब कॉलेज से। तो मैं एक एक कॉलेज में इस चक्कर में लगा रहता था कि जाके कम से कम 100-100 लड़के के कॉलेज से आएँ, तो 400-500 हज़ार लड़का निकले आइजनहावर के ख़िलाफ़ मुजाहरा करे, और ये दुनिया की खबर छपे कि पाकिस्तान में भी वो लोग हैं जो इस्तेमारी ताकतों की मुखालफत करते हैं। इसलिए ये मैं तैयारियाँ ही कर रहा था कि उन्हें पता चल गया किसी तरीके से, कहीं से लीक हो गई ये बात, तो उन्होंने न सिर्फ मैं पकड़ा गया, बल्कि बेशुमार ट्रेड यूनियन लीडरों को पकड़ा, बहुत से लोगों को मैंने आपको बताया कि 59 में गिरफ़्तार किया गया था, जेल में रखा था, शायद 3 महीने रखा था, और हसन नासिर भी गिरफ़्तार हुए थे, सबके इंट्रोगेशन हो रहे थे जेलों के अंदर कम्युनिस्टों के। हसन नासिर को जब उन्होंने पकड़ा, कुछ दिन उनको जेल हवालात में रखा, और फिर यहाँ से सीधे उन्होंने लाहौर फोर्ट उन्हें मुंतकल किया, और उनका ख्याल ये था कि ये कोई बहुत, इसके दिल में बहुत बड़ा ख़जाना है जिससे हमें पता चल जाएगा। लेकिन हसन नासिर की ईमानदारी और बहादुरी की दाद सबने दी बाद में, अगर वो टॉर्चर के नतीजे में टूट जाता, जिसको टूट जाना कहते हैं, बता देता, तो बेशुमार लोग गिरफ़्तार होते, बेशुमार लोगों को
तोड़फोड़ होती इंटीरियर सिंध में, यहाँ और पंजाब और दूसरे मकामात। लेकिन हसन नासिर ने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। जो मेरे इल्म में है गिरफ्तारी के बारे में, वो ये है कि हसन नासिर लंबे तड़ंगे थे, एक तो थे पिशावरी चपड़े पहन के घूमते थे सब जगह। तो उस ज़माने में एक मर्डर हुआ था एक सेठ का, किसी पठान ने मर्डर किया था गुरु मंदिर के इलाके के अंदर। तो ये वहाँ से गुज़र रहे थे, क्योंकि आम तौर पर बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं होते थे, एक मिजाज में लापरवाही थी इनके मिजाज के अंदर। एक दफ़ा मैं लियारी चला गया था, वहाँ एक झोपड़ी में, थाने के सामने एग्जैक्ट झोपड़ी थी, उसमें रहता था। तो मैंने देखा एक दिन हसन नासिर चले आ रहे हैं। मैंने कहा आप यहाँ कैसे आए? कहले मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे किसी ने बताया कि नहीं अंदर है, ये कहला देता है वो वजी वाले से कि मैं नहीं हूँ, कोई आए तो ये अंदर ही है। तो मैं यहाँ बैठ गया था, यानी कि इस पर तो सारा इंटेलिजेंस बैठी होती है, आप क्या करते हैं और आप यहाँ क्यों आए? सामने थाना इतना बड़ा नजर नहीं आता आपको, क्या करते हैं आप? तो उनकी मिजाज में, एक तबीयत में ये बात है, यानी गिरफ्तारी के यानी वारंट जब उनके होते थे, कभी बरना साहब के पास सुबह सुबह आ जाते थे, वो अफसर से खेलते रहते थे, उनकी जो बेटी थी उसके साथ वो खेलना शुरू हो जाते थे, बातें करना शुरू हो जाते थे। इसी तरीके से वो भी कि उनका एक मिजाज किस तरह के थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो वहाँ उनको पकड़ लिया गया कि ये वही पठान है जिसने उस सेठ को मारा है, कि वहाँ से वो पकड़ के थाने ले गए। थाने में उस बस जो बैठा हुआ था वो इंटेलिजेंस का जो ऑफिसर था वो बड़ा नोन उस जमाने मशहूर था, मैं नाम उसका भूल गया, वो थाने में मौजूद था। तो किसी ने कहा कि उसको पकड़ लाएं, वो जो जिसने फला सेठ को मारा है। तो वो देखने के लिए उठ के जब वो गया तो उसने कहा अरे ये क्या, ये तो हसन नासिर है, ये तो हसन नासिर है। तो वहाँ से ये बात पता चली कि हसन नासिर है। फिर वहाँ से उन्हें शिफ्ट किया गया, FIA के लॉकअप में उनको रखा गया, कुछ पूछ गछ होती रही, फिर उनको लाहौर फोर्ट।